me? चार्मी, बेटी ये सब कैसे हुआ? पापा मुझे कुछ नहीं पता, जब मैं उठी तो ये मेरे बाजू में मरे हुए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? चली जा यहाँ से। क्यों तूने मेरी बेटी को पकड़ा है? तू क्या चाहती है और ये सब क्यों कर रही है? बेटा, किससे बात कर रही हो तुम? अच्छा, उस ढोगी बाबा ने बहकाया तुम्हें कि कोई बुरी आत्मा है जिसने चार्मी को जकड़ लिया? नहीं, बुरी आत्मा? बाबा भाई ने ठीक ही कहा था, कोई तो है जो हमारे चार्मी के शरीर में आकर ये सब कर रहा है। रीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और उस बाबा का भी। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, इसको किसने मारा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सुशील जी घर से बाहर निकले हो तो उनका किसी दुश्मन ने उनको मारकर हमारे घर में डाल दिया ताकि इसके खून के इल्जाम में हम लोग फंस जाए। उसको कोई मेरे कमरे में क्यों रखकर जाएगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। पापा, अब तो पुलिस भी आएगी ना? नहीं बेटे, पुलिस यहाँ नहीं आएगी और वो कभी ये साबित नहीं कर पाएगी कि सुशील जी की मौत यहाँ पर हुई है। हेलो मिलन जी। हेलो इंस्पेक्टर भाई, कैसे आना हुआ? मिस्टर सुशील कुमार की वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई है कि उनके पति परसों रात से लापता हैं और उनकी जो लास्ट बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो आपके घर की तरफ आ रहे हैं और उन्हें देर हो जाएगी, इसीलिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। ये है सर्च वॉरंट। ठीक है इंस्पेक्टर, अब है आप घर की तलाशी ले सकते हैं। बेटा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम देख लेना। चले मैम। मैडम, हमें आपके रूम की तलाशी लेनी। जी, ले लीजिए। ये क्या है? ये खून किसका है? ये खून किसका है? जिस आदमी को तू ढूंढ रहा है दरोगा, ये उसी का खून है। क्या मतलब? ये खून सुशील शर्मा का है? यानी आपने सुशील शर्मा का खून किया है? उसकी मौत तो हमारे ही हाथों लिखी थी। यानी आप कबूल करती हैं कि आपने सुशील कुमार को मारा है, उसका खून किया है? हाँ। ये
फिर तो मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। चलिए। रुके इंस्पेक्टर जनाब, जिसे आप गुनाहगार समझकर हथकड़ी पहनाने जा रहे हैं, गुनाहगार वो नहीं, उसके अंदर की रूह। क्या क्या मतलब आपका? ये चार्मी का सिर्फ जिस्म है, इसके अंदर रूह उस शैतान की है जिसने उस शख्स का खून किया है। What is this nonsense you are talking? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं आपकी बात कैसे मान लूं? मैं साबित कर सकता हूं अभी और इसी वक्त। का गरम अल्लाह का मरहम कोई नहीं मिटा सकता। या परवरदिगार हर रूह को सुकून दे, उसे अपने दरबार में बुला, उसे अता फरमा, उसकी कोई अधूरी ख्वाहिश उसे पूरी कर, उसे जुबान दे, जुबान दे, उसे सामने ला, सामने ला। पुष्पा तू? जी मैडम जी, मैं पुष्पा। तू तो मेरे घर से चोरी करके भाग गई थी। जी नहीं, मैं कहीं नहीं भागी थी। पिछले एक साल से मैं यही भटक रही हूँ। क्या? पिछले साल जब छोटी सा का जन्मदिन आने वाला था। अरे वाह, सब कुछ कितना साफ सुथरा है। अच्छी खुशबू आ रही है। जब से पुष्पा आई है मुझे तो आराम मिल गया। हम मंगनी मैडम जी। तुम चार्मी के कमरे से आ रही हो? जी मैडम जी, छोटी सा ने अपना नाश्ता और काफी कमरे में ही मंगाया है। देखो तुम उसकी आदतें बिगाड़ रही हो। आज नाश्ता मांगा, कल को वो खाना मांगेगी। अगर ऐसे रहा तो हम लोग साथ में बैठकर खाना कब खाएंगे? खावेंगे मैडम जी, आप मुझे बस एक बार जम जाने दो। आप देखना, उसके बाद मैं उन्हें समझा कर मना लूंगी। ठीक है ठीक है, वॉशिंग मशीन के सारे कपड़े धुले होंगे, उसे निकाल कर सुखा देना। सुखा दिए मैडम जी। पुष्पा, कोई तो काम ऐसा बाकी छोड़ो कि मेरे कहने के बाद तुम करोगी। शैतानी बनने का मौका कब मिलेगा मुझे। अच्छा सुनो, ये है घर की चाबी। इसमें इस घर की और इस घर के सारे कमरों की चाबियां हैं। कल मैं और चार्मी मेरे मायके जा रहे हैं, पर साहब जी यही रहेंगे। तुम उनके लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पे रख देना। घर को अच्छी तरह से बंद करके चली जाना, और जिस दिन साहब को बाहर खाना होगा वो तुम्हें फोन करके बता देंगे। मैडम जी, थारे को मारे पे इतना भरोसा है कि अपने घर की चाबी मरने देकर जावे हो? आदमी की पहचान उसके बर्ताव से होती है, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। चलो अब जल्दी से साहब के लिए नाश्ता और चाय तैयार कर और उनको दे दो, ठीक है? हाय चार्मी, ये बैकपैक करके कहाँ जा रही है? मामा के घर। इस बार बर्थडे वहीं सेलिब्रेट कर रही। हमने जो प्लान किया है उसका क्या? वो मेरे आने के बाद। तो मुझे बिलेटेड बर्थडे विश करना, मैं बिलेटेड पार्टी दूंगी। ओह
भी ना। ये क्या लाई है पुष्पा? वो मैडम जी को ना भूख लगी थी तो उन्होंने हमारे से कुछ खाने के लिए मांगा था, तो मैं उनके वास्ते नूडल बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। मैडम जी मारे हाथ का नूडल खा के बताओ कि कैसा है। ये नूडल्स है? ऐसे नूडल मैंने जिंदगी भर नहीं खाए। हेलो हेलो, कौन? आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 जी, खाइए ना, खा के बताइए कैसा है। क्या हुआ मैडम जी, खाइए ना। ओह स्टूपिड, ये नूडल्स है। अरे ये तो मिर्च की सब्जी लग रही है। पानी दे, जल्दी पानी दे, जल्दी पानी दे, पानी दे, मेरी जान निकल गई। क्या मैडम जी, इतना भी तीखा ना खा सके हो। इडियट मुझ पे हंस रही थी, अब हंस ना, हंस। क्या हुआ पुष्पा? वो छोटी सा मैडम जी को नूडल थोड़े तीखे लगे, उन्होंने मारे से पानी मांगा और मरने थोड़ी हंसी आ गई, तो उन्होंने सारा नूडल मारे को जबरदस्ती खिला दिया। आप चख के देखो ना, नूडल तीखे हैं क्या? नीना पागल हो तुम, नूडल्स एकदम ठीक है। सॉरी पुष्पा, तुम जाओ मुंह हाथ धो लो। नीना तुम भी ना। ओ प्लीज। घनी खम्मा साहब जी, पानी। मैडम जी और छोटी सा कुशल मंगल पहुंच गए। हाँ, आज चार्मी का बर्थडे मना रहे हैं। अब आपसे अगर फोन पे बात होना तो हमारी ओर से भी जन्मदिन की बधाई दे देना। आज मन ने खीर पूरी और कचौड़ियाँ बनाई है। अरे वाह। अरे हाँ पुष्पा, याद आया, आज मेरे खास क्लाइंट घर पे आने वाले हैं, तो अगर तुम रुक जाती और बढ़िया सा नाश्ता बना देती तो अच्छा होता। उसके लिए मैं तुम्हें अलग से 1000 रुपए दूंगा। अब रुक तो जाओ साहब जी, पर मारे घर के आसपास सरकारी बिजली ना है और 7 बजे के बाद घना अंधेरा हो जावे। अकेली औरत हूँ साहब जी, डर लागे। तुम चिंता मत करो, मैं 10 बजे तुम्हें घर छोड़ दूंगा, रुक जाओ। जी ठीक है। एक मिनट, ये रखो अपने पास। रखो रखो। चीयर्स। चीयर्स। आपका बहुत नाम सुना था, आप पे भरोसा करके ही ये केस मैंने आपको दिया। सुशील जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं और हर हाल में इस केस का फैसला आपके फेवर में होगा। यहाँ यार। ये आपकी पत्नी है? अरे नहीं नहीं,
ये हमारी नौकरानी है पुष्पा। अरे वाह, बहुत अच्छी है। हाँ सचमुच बहुत अच्छी है, खाना तो ऐसा बनाती है कि आप उंगलियां चाटने लगेंगे। पुष्पा जी हमें भी कुछ खिलाइए ना, ताकि हम भी आपकी उंगलियां चाट सके, मतलब अपनी उंगलियां चाट सके। अरे पुष्पा जी जरा प्याज टमाटर तो ले आइए। जी हुकुम। मत लीजिए, वो केस बिल्कुल सेफ है, उसमें आपको कोई छू भी नहीं सकता। मैं बैठा हूं ना यहाँ पर। साहब जी कुछ काम था के? अरे तुम अभी तक यहीं हो? वो साहब जी ने कहा है कि मारे को गाड़ी से घर छोड़ेंगे। तुम्हारे साहब जी तो टू नौकर गार्डन में लेट गए हैं। तुम मुझे बताओ ना कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। अब नहीं साहब जी। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। नहीं साहब जी, मैं अठे सो जाऊंगी। पक्का? जी धन्यवाद। ठीक है तुम्हारी मर्जी। को अपने हथियार साथ में रखने चाहिए। ना जाने कब शिकार सामने आ जाए।
ये क्या कर दिया आपने? अब हो गया वकील जी, आप ही कुछ कीजिए। आप जितने पैसे कहेंगे मैं देने को तैयार। कुछ कीजिए, खून का मामला है ये, इसे कैसे छिपाएंगे आप? अब ये सोचना आपका काम। 50 लाख 1 करोड़ जो कहेंगे मैं देने को तैयार। ठीक है, 2 करोड़ रुपए। आप यहां से चुपचाप निकल जाइए, मैं ये मामला संभाल लूंगा, कल आऊंगा रुपए लेने। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा कबर्ड, ये मेरा ड्रॉअर जिसमें मैंने अपने सोने के ब्रेसलेट और चेन्स रखे थे, 4 तोले के थे और 2 लाख रुपए कैश, 1000 के 2 बंडल थे, वो सब चोरनी नौकरानी पुष्पा चुरा के ले गए। अच्छा मिलन जी, एक बात बताइए कि वो आपके कमरे में आई कैसे? आप ही ने तो कहा था आपकी वाइफ और आपकी बेटी बाहर गए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीबी को लगा कि पुष्पा बहुत ही शरीफ और ईमानदार नौकरानी है, लेकिन उसने अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी वाइफ को फंसा लिया। अब मेरी वाइफ ने उस पर भरोसा किया और साफ सफाई के लिए कमरों की चाबी उसके हवाले कर दी। अब मैं कल रात को लेट आया, थका हुआ था, इसलिए मैंने अपनी चीजें सीधे ड्रॉअर में रख दी और सो गया। सुबह मुझे कोर्ट के लिए जल्दी जाना था, इसीलिए मैं उसे पहनना भूल गया और कोर्ट के लिए निकल गया। उसने इसका फायदा उठाया और सारी चीजें चोरी की। अरे मिलन जी, आपके पास उस नौकरानी की कोई फोटो है मुझे दे दो, ढूंढने में आसानी होगी, और भी पुलिस चौकी में भिजवा देता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास तो नहीं है, मेरी बेटी के मोबाइल पर है, मैं उससे लेकर आपको भेज दूंगा। ठीक है, फिर भिजवा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते। ठीक। हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला ले लिया, अब बस एक जिंदा बचा है। झूठ बोल रही है तू, मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही है, वो ऐसे नहीं है। ये रू झूठ नहीं फरमा रही है, लेकिन बाबा अगर ये सच भी बोल रही है तो अदालत में इसे साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। अदालत को ठोस सबूत देना होगा कि मिलन जी कसूरवार, गुनहगार। इंस्पेक्टर साहब, अगर पुष्पा की बातों में जरा सी भी सच्चाई है और मेरे पापा ने सच में कोई गुनाह किया है तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बेटा तू ये क्या कह रही है, अपने पापा को झूठा साबित करना चाहती है? माँ मैं वही कह रही हूँ जो हमें करना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मिलन जी अपना गुनाह कैसे कबूल करेंगे। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। रीटा, रीटा, लीजिए। ये लो, ये बैग संभाल कर रख लो, इसमें 20 लाख रुपए हैं। वो कल हम कुमकुम ज्वेलर्स जाएंगे और बहुत सारा सोना खरीद लेंगे। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? 20 के हैं मेरे। सुनिए, कहीं आप गलत लोगों का साथ देकर तो पैसे कमा नहीं रहे ना? तुम आम खाओ ना बेटा, गुठलियां क्यों गिनती? ओहो माय प्रिंसेस स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? खम्मा घनी साहब जी। क्या बोले थे? खम्मा घनी साहब जी, आपके लिए केल आवू। ये कौन सी भाषा बोल रही है रीटा, क्या हो गया इसे? मुझे खुद नहीं पता, मैं हैरान हूँ। कौन है तू? मारे को भूल गए इतनी जल्दी साहब जी? देख चार्मी, तो ये नौकरानी की एक्टिंग करना बंद कर, बहुत हो गया। वाह, तो आपने मारे को पहचान लिया, अब ये भी बता दो कि आपने मारे को कैसे मारा था? मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास करूं? अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, मत मारो मेरी बेटी को।
ये क्या कर रही है बेटा? मेरा नाम पुष्पा है। अरे अरे, मेरी बेटी को मत मारो, छोड़ दो इसे। अच्छा क्या क्या क्या, क्या चाहिए क्या? सच्चाई, मारे को सच्चाई चाहिए। मारे को चोर साबित किया था ना तूने? मारे को सच्चाई चाहिए। मारे को चोर साबित किया था ना तूने? अब अपनी पत्नी से बोल सच्चाई, क्या हुआ था उस रात? अच्छा ठीक है, मैं सारी बात बताता हूँ। बस इस तरह से मैंने सुशील को बचाया और पुष्पा को चोर बनाकर उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी। इंस्पेक्टर सर, आपको सबूत मिल गया ना? यस, मैंने इनकी सारी बातें और आवाज इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो काफी है इन्हें सजा दिलाने के लिए। चार्मी, ये सब क्या है? गुनाह करने वाले और गुनाह करने में साथ देने वाले, दोनों की बराबर सजा होनी चाहिए। शील जैसे निर्लज और हवसखोर आदमी का साथ दिया और पुष्पा जैसी अबला और लाचार औरत को चोर कहकर उसे गुनेगार साबित कर दिया। वकीलों का तो काम हो गया ना, निर्दोषों और बेसहाराओं की मदद करना, उन्हें न्याय दिलाना। लेकिन आपने पैसों की लालच में अपना पैसा, अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा सब भूल गए। चोर, लुटेरे और गुनहेगारों के साथ रह रहकर आप भी वैसे ही बन गए हैं पापा। अब तो आपको पापा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। मिलन जी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि आपकी बेटी ने केस रीओपन किया है। सो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं एक बार पुष्पा से मिल सकता हूं? जी जरूर। थैंक यू। इंसान का कर्म और अल्लाह के मरम को कोई नहीं मिटा सकता। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, पर मेरी इस गलती की सजा मेरे परिवार वालों को मत देना। चाहे मुझे मार दो, पर इसमें मेरी पत्नी और बेटी का कोई कसूर नहीं है। उन्हें मत मारना, मत मारना उन्हें।
या खुदा इस रूह को सुकून दो, इसे पनाह दो, या अल्लाह, आमीन। माँ मुझे माफ कर देना, मैंने पापा को गिरफ्तार करवाया, पर कानून का साथ देना और बेगुनहगार को बचाना यही सच्चे इंसान का कर्तव्य होता है ना? कोई बात नहीं बेटा, तूने बेशक अपने पापा को गिरफ्तार करवाया, मगर किसी बेकसूर को तूने मुक्ति भी दिलवाई है।